दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद लगातार उससे पूछताछ जारी है। इस बीच उसने कई राज भी उगले हैं और कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही साथ हाल ही में उसने एक और बड़ा खुलासा किया है कि कैसे वो अजरबैजान से अमेरिका भागने के प्लान में था। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को विदेश से पकड़ा था, ठीक उसी तरह सतर्कता दिखाते हुए अजरबैजान से लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को दबोचा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सचिन का रेड कॉर्नर नोटिस समय से ही जारी करवा दिया था। इससे आरोपी अजरबैजान में ही फंस गया था। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि सचिन फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागा था। पुलिस को फर्जी पासपोर्ट मिल गया था। इसके बाद पंजाब पुलिस व दिल्ली पुलिस ने नोडल एजेंसी से मिलकर सचिन का RCN जारी करवा दिया, मतलब कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया था। इसके बाद पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड हुआ तो वह अमेरिका भागने के फिराक में था। गोल्डी की तरह सचिन अमेरिका से भारत में अपराध का सिंडिकेट चलाने की तैयारी में था। लेकिन इसी बीच कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ने सचिन को फोन कर अजरबैजान में ही रहने को कहा था। गोल्डी ने दूसरा पासपोर्ट बनवाकर भेजने की बात कही थी। नए पासपोर्ट से सचिन की अमेरिका भागने की तैयारी थी, लेकिन अजरबैजान पुलिस ने उसे पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया था। सचिन डिटेंशन सेंटर में करीब एक वर्ष तक रहा। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह सेंटर से बाहर भी निकल पाएगा। इस कारण सचिन ने वहां की कोर्ट में दूसरी अपील भी दाखिल नहीं की थी। इधर दिल्ली पुलिस आयुक्त के SO मनीष चंद्रा व स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त SGS धालीवाल ने अजरबैजान व इंटरपोल अधिकारियों से लगातार बातचीत जारी रखी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अजरबैजान गई और सचिन को मंगलवार को दिल्ली लेकर आ गई है। सचिन ने पूछताछ में बताया कि उसने दुबई में बैठकर एजेंट के जरिए भारत में आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य कागजात बनवाए थे। इनसे उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट व फर्जी कागजात बनवाने के लिए उसने लगभग 4.5 लाख रुपए दिए थे। इस प्रकार सचिन बिश्नोई की पूरी प्लानिंग थी कि वह अजरबैजान से भागकर अमेरिका चला जाएगा, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने ध्यान दिया और पुलिस ने अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार धीरे धीरे सचिन बिश्नोई सारे खुलासे करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ सचिन बिश्नोई के बाद अगला नंबर लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ब्राड और अनमोल बिश्नोई का भी बताया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हो लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई द्वारा किए गए इन बड़े खुलासों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।